नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। किसी भी प्रकार की ज्योतिषी परेशानी या ज्योतिषी सलाह, ग्रहों से संबंधित परेशानी, तांत्रिक परेशानी या शुभ मुहूर्त शुभ समय की जानकारी, हस्तरेखा की जानकारी जो आपको चाहिए, तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपकी सेवा में रहेंगे। आज हमारा विषय है व्हाइट सफायर, यानी कि सफेद पुखराज। सफेद पुखराज का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। जैसे पीला पुखराज गुरु ग्रह का होता है, उसी प्रकार से सफेद पुखराज शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और शुक्र को बलवान बनाने के लिए सफेद पुखराज धारण किया जाता है। तो किन परिस्थितियों में सफेद पुखराज धारण करना चाहिए, इससे क्या क्या आपको लाभ होंगे और सफेद पुखराज की पहचान क्या है, इन सब बारे में हम आप लोगों के साथ विस्तार में चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम और शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए रत्नों को धारण किया जाता है, लेकिन रत्न कभी भी शौक में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो हम आज जिस रत्न यानी कि सफेद पुखराज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका संबंध वैभव और ऐश्वर्य के दाता शुक्र ग्रह से माना जाता है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस रत्न को धारण करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होने की मान्यता है। तो इसे धारण करने का क्या विधान है और पुखराज की पहचान क्या है, आइए जानते हैं। यदि आपको रत्न खरीदना रहेगा तो आप माँ काली रत्न भंडार से ही रत्न खरीदिए। ऑनलाइन की पूरी व्यवस्था है और क्वालिटी प्राइस दोनों में आपको सहूलियत मिलेगी। बात कर रहे हैं सफेद पुखराज की। दूध के रंग का सफेद पुखराज होता है। बाजार में मुख्यतः दो प्रकार के पुखराज मिलते हैं, जिसमें सबसे अच्छा पुखराज सिलोनी माना जाता है और वहीं बैंकॉक का पुखराज दूसरे नंबर पर आता है। सफेद पुखराज बाजार में थोड़ा महंगा जरूर मिलता है क्योंकि इसका संबंध शुक्र से होता है और वृष और तुला राशि के लिए सफेद पुखराज धारण करना बड़ा ही लाभदायी माना गया है, क्योंकि इन राशियों पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य है। वहीं मेष वृश्चिक और कर्क राशि के लोग भी सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्योतिषी परामर्श के नहीं धारण करना चाहिए। वहीं जिन व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर हो और जो लोगों की विवाह में समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सफेद पुखराज जरूर धारण करें। सफेद पुखराज के साथ माणिक मोती और मोगा पहनने से बचना चाहिए, वरना नुकसान होता है। सफेद पुखराज पहनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जो लोग टेलीविजन कलाकार, गायक या लेखन का कार्य करते हैं, वो लोग सफेद पुखराज पहन सकते हैं।